नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रजा सिंह। भारत के साथ कड़वे रिश्तों के बीच पाकिस्तान से मीठे मीठे आम आने की खबर आई है। जी हाँ, इस खबर से देश भर में बवाल मच गया है। बांग्लादेश में हसीना के तख्ता पलट के बीच विपक्ष के 7 सांसदों को पाकिस्तान से आम मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। राहुल गांधी और शशि थरूर समेत 4 मुस्लिम और टोटल 7 सांसदों के घर में आम की पेटी आखिर क्यों? हर कोई ये जानने के लिए बेकरार और बेताब है। आप खुद समझिए, एक तो आम, दूसरा पाकिस्तान और उस पर भी राहुल गांधी और 4 मुसलमान सांसदों के नाम। ऐसे में सियासी घमासान मचना तो तय था, इसलिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने इंडिया गठबंधन को घेरने में पल भर भी देरी नहीं की। अब बात सियासी गलियारों में पहले पहुंची या फिर लोगों के गली मोहल्लों तक पहले पहुंची, इससे पहले पाकिस्तान के मैंगो डिप्लोमेसी वाली इस खबर के पीछे की सच्चाई जानने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये महज एक अफवाह है। एक तरफ बांग्लादेश सुलग रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मैंगो डिप्लोमेसी के जरिए भारत के विपक्षी सांसदों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 7 भारतीय सांसदों को आम की पेटियां भिजवाई हैं। कहा जा रहा है कि एक दूसरे के प्रति रिश्तों में मधुरता के तौर पर मैंगो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल होता रहा है और मीठे मीठे आम खिलाकर विपक्षियों को रिझाया जा रहा है। दरअसल वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी, शशि थरूर और कपिल सिब्बल के अलावा पाकिस्तान हाई कमीशन ने इंडिया गठबंधन के 4 मुस्लिम नेताओं को आम की पेटियां भिजवाई हैं। वहीं अब 2 सांसदों ने तो इस दावे को खारिज करते हुए सफाई भी दी है। सांसद इकरा हसन चौधरी के प्रतिनिधि ने कहा ये खबर बोगस और फेक है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकल पुलिस को तहरीर देकर जांच के लिए कहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान हाई कमीशन की ओर से आम की टोकरियां आने के दावों का खंडन करते हुए कहा कि मैंने तो कभी देखा नहीं, ना ही ऐसा कुछ सुना, मुझे पाकिस्तानी हाई कमीशन की ओर से अब तक कभी कुछ नहीं मिला। ऐसे में दो सांसदों का रिएक्शन आ चुका है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस और विपक्षी दलों के भी कई सांसदों को पाकिस्तानी दूतावास में आम भेजे गए हैं। गौरतलब है कि साल 2015 में पाकिस्तान की ओर से सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं के बीच तत्कालीन पाक सीएम नवाज शरीफ ने मैंगो डिप्लोमेसी के जरिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। जी हाँ, नवाज शरीफ ने तब पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आम भेजे थे। पीएम मोदी के अलावा पाकिस्तान से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए भी आम भेजे गए थे। दरअसल कूटनीति में आम का इस्तेमाल मधुर रिश्तों को दिखाने के लिए किया जाता है, जो पाकिस्तान शायद करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।